हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम दीपक है और ये हमारे चैनल एस आई अकेडमी फॉर सक्सेस। स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पर। और हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों की हिस्ट्री, ट्वेल्थ क्लास की हिस्ट्री और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि आपके एग्ज़ाम्स में आते हैं। आप और हम सब जानते हैं कि कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हम देने के लिए जाएं या फिर ट्वेल्थ क्लास की हिस्ट्री हो तो उसमें सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हैं पेपर में बनते हैं और इसको समझना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो आइए आज हम शुरू करते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज किसने की और सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का रहन सहन या जीवन किस प्रकार का था। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि ब्रिटिशर्स को ये महसूस हुआ कि वो लोग भारत के बारे में कुछ जाने और इसी वजह से उन्होंने पुरातत्व विभाग की स्थापना की। पुरातत्व विभाग की स्थापना करने के बाद उन्होंने यहाँ पर चीज़ों को ढूंढना शुरू किया। परंतु हड़प्पा सभ्यता की खोज एक तरह से सडन एग्जाम्पल है इसका, क्योंकि उसकी खोज कैसे हुई बताता हूँ। 1853 में जब रेलवे चली उससे पहले पटरियाँ बनाने का काम शुरू किया गया भारत के अंदर। जब भारत के लोग पटरियाँ बनाने के लिए सामान ढूंढ रहे थे तो वहीं पर एक कुछ ईंटें कुछ मज़दूरों को मिली जो हड़प्पा के आसपास के क्षेत्र में थी। उन मज़दूरों ने उन ईंटों को निकाला और पटरियों पर बिछा दिया। उसके बाद इसी प्रकार से पटरियों के लिए ईंटों को लाते रहे, परंतु वो ईंटें ख़त्म होने का जब नाम नहीं ले रही थी तो उनको ये मालूम चला कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा नगर या नीचे एक बहुत बड़ी सभ्यता थी। इसीलिए उसी समय पुरातत्वविदों को बुलाया गया, जिनमें सबसे अहम थे दयाराम साहनी और राखल दास बनर्जी। 1921-22 में हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी के नाम मानी जाती है, यानी इन दोनों ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की। यहाँ पर लिखा है आपके सामने, हड़प्पा सभ्यता की खोज सबसे पहले दयाराम साहनी ने की थी, जो कि 1921 में उन्होंने की थी। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हड़प्पा सभ्यता के अंदर मिली थी जिसके बारे में हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। जैसे हड़प्पा सभ्यता में कुछ मोहरें मिली हैं जो सेलखड़ी नामक पत्थर से बनाई हुई है। इन मोहरों पर जानवरों के चित्र बने हुए हैं। पशुपतिनाथ यानी जो हमारे भगवान शिव हैं, शंकर हैं, उनकी तस्वीर भी उस पर छपी हुई मिली है। इसके साथ साथ उस पर जो है वो क्या कहते हैं वृषभ देव की भी प्रतिमा छपी मिलती है। हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है वो चित्रात्मक लिपि थी बच्चों। चित्रात्मक लिपि का मतलब था चित्रों से बनी लिपि, यानी केवल चित्र उकेरे हुए थे और 475 से 500 के आसपास चित्र थे उसमें जो उकेरे गए थे, परंतु उसकी लिपि को आज तक पढ़ा नहीं जा पाया है। कई विद्वानों ने कई भाषाओं में, जैसे ब्राह्मी है और कई भाषाओं में परिवर्तित करके इस लिपि को पढ़ने की कोशिश की, लेकिन उनको असफलता हाथ लगी और इस लिपि को आज तक समझा नहीं गया है। हड़प्पा सभ्यता से हमें यहाँ के लोगों के रहन सहन, खान पीन, आभूषण, औजारों, मृद भांडों और मुहरों की जानकारी मिलती है। अर्थात यहाँ पर यहाँ के लोगों का जीवन कैसा था, यहाँ के लोगों के धार्मिक जो कर्मकांड थे वो किस प्रकार के थे, वो किस प्रकार के आभूषण पहनते थे, किस प्रकार के औजारों का इस्तेमाल करते थे और कैसी मोहरों का इस्तेमाल करते थे, इन सभी चीज़ों की जानकारी हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। सिंधु घाटी की सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। एक्चुअल में सिंधु घाटी की सभ्यता है क्योंकि सिंधु नदी के आसपास इस सभ्यता की खोज हुई, इसीलिए इसे सिंधु घाटी की सभ्यता कहा जाता है। परंतु जो स्थान जहां पर सबसे पहले इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो हड़प्पा नामक स्थान पर हुए हैं, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात इसे सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। अब देखते हैं यहाँ के लोगों की बच्चों संस्कृति कैसी थी। सबसे पहले बात करते हैं संस्कृति होती क्या है। संस्कृति एक ऐसा शब्द है, संस्कृति शब्द का प्रयोग एक ऐसे समूह के लिए किया जाता है, एक विशेष प्रकार की शैली के लिए, जो सामान्यतः एक साथ खास भौगोलिक क्षेत्र और कालखंड से संबंधित होते हैं। यानी वे लोग जो एक जैसे स्थान पर रहते हैं, जिनके धर्म लगभग एक जैसे होते हैं, जिनके रीति रिवाज खान पान लगभग एक जैसे होते हैं, ऐसे लोगों के समूह को एक संस्कृति का संवहनकर्ता माना जाता है। अर्थात यानी संस्कृति का अर्थ होता है ऐसे लोगों के लिए प्रयुक्त होता है जो लोग एक ही प्रकार से और एक ही तरह से रहते हैं।
देखते हैं बच्चों कि हड़प्पा सभ्यता जो है उसका जो प्रादुर्भाव है यानी हड़प्पा सभ्यता वो किस किस एरिया में फैली थी। हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र अफगानिस्तान, जम्मू कश्मीर, बलूचिस्तान जो कि आज पाकिस्तान का हिस्सा है, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ भागों तक फैला है। खासतौर बच्चों पश्चिम उत्तर प्रदेश के आसपास ये फैला होता है। तो हड़प्पा सभ्यता का जो क्षेत्र है अफगानिस्तान से शुरू होता है और उत्तर प्रदेश तक होता है, यानी बहुत छोटा सा एरिया है जहाँ पर अभी तक हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य मिलते हैं। परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि हड़प्पा सभ्यता केवल इतनी दूर तक ही फैली थी। अभी तक इतिहासकार इस बारे में बात करने की कोशिश चल रही है उनकी कि हड़प्पा सभ्यता जो है वो कितने नज़दीक तक रहे थे, बट कुछ और चीज़ें ढूंढी जानी बाकी है और इतिहासकार उसके बारे में पुरातत्वविद उसके बारे में ढूंढ रहे हैं। आइए बच्चों आगे देख लेते हैं, ईसा पूर्व और ईसवी के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। इसके बारे में अध्ययन करने के लिए मैं अलग से बहुत छोटी सी वीडियो बनाऊंगा, वहाँ पर हम ईसा पूर्व और ईसवी के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है बच्चों, आइए हम लोग नेक्स्ट हम लोग स्लाइड पे चल देते हैं अपनी। ठीक है ना, वैसे यहाँ पर पूरा लिखा है मैंने, तो उसके बारे में हम अलग से वीडियो बनाएंगे तब बात करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा मैथमेटिकल इसमें हम लोग यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जो कि क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, हड़प्पा वासियों के निर्वाह के कौन कौन से तरीके थे, यानी हड़प्पा वासी किस प्रकार से अपने जीवन को बिताते थे या किस तरह से उन्हें खान पान था। तो अभी तक मिले हुए साक्ष्यों में पता लगता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो हैं वो पेड़ पौधों से और जानवरों से अपना भोजन प्राप्त करते थे, जिसमें मछली भी शामिल थी, यानी वो शिकार भी करते थे और जानवरों को पालते भी थे और कृषि भी किया करते थे। इस प्रकार से वे अलग अलग प्रकार से अपना जीवन यापन किया करते थे, वे कृषि भी किया करते थे। और इसके साक्ष्य में मिलते हैं कि गुजरात में बाजरे के दाने मिले हैं और लोथल में चावल के दाने मिले हैं। इसके अलावा गेहूं, जौ, राई, मटर, दाल, सफ़ेद चना, तिल और सरसों आदि अनाज के साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं, जिससे हम ये कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग अनाज भी पैदा किया करते थे। इसके साथ साथ कृषि करने के साथ साथ हड़प्पा सभ्यता के लोग पशु भी पाला करते थे, जिनमें बैल, गाय, भेड़, बकरी आदि शामिल थे। कुबड़ वाला सांड जिसको हम वृषभ के नाम से जानते हैं, जो भगवान पशुपतिनाथ का की सवारी माना जाता है, उसके भी साक्ष्य यहाँ पर मिले हैं। इससे ये पता चलता है कि खेती में बैलों का प्रयोग हुआ करता था और साथ में हल का प्रयोग भी हुआ करता था। थोड़ा आगे हम चलेंगे तो वहाँ पर हम देखेंगे कि हल का प्रयोग भी हड़प्पा सभ्यता के अंदर हुआ करता था, क्योंकि लकड़ी के और लोहे के फाल वाले हल भी बहुत स्थानों से प्राप्त हुए हैं। और मछलियों का हम ऐसे कह सकते हैं कि मछलियों की बहुत सारी हड्डियाँ भी हड़प्पा सभ्यता के आसपास मिली हैं। इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि हड़प्पा के सभ्यता के लोग कृषि किया करते थे, पशुपालन किया करते थे और साथ में मछली पालन भी किया करते थे या शिकार किया करते थे। आइए बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल देते हैं, जो है कृषि किस प्रकार की जाती थी, यानी कृषि प्रौद्योगिकी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के स्थलों से अनाज के दाने। थोड़ा यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा होगा आपको, तो मैं आपको थोड़ा क्लियर कर दूँ। मेरी आवाज़ आप ध्यान से सुनिए और कोशिश कीजिए, थोड़ा सा ये फ़ोटो का प्रॉब्लम हो गया है। हड़प्पा वासियों के स्थलों से अनाज के दाने प्राप्त हुए हैं, इस प्रकार कहा जा सकता है कि वे खेती किया करते थे। अभी हमने पिछली वाली स्लाइड के अंदर देखा कि चावल के दाने और जो गेहूँ के दाने हैं वो बाजरे के दाने हैं वो अभी तक मिले हैं गुजरात से और लोथल से। हाँ ठीक है, तो इससे पता लगता है कि ये खेती किया करते थे। इसके साथ साथ वृषभ और हल के विषय में जानकारी भी उनको थी, अर्थात वे खेतों को जोतने के लिए हल का प्रयोग किया करते थे। पुरातत्वविदों को कालीबंगन, यानी अब देखो यहाँ बच्चों ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, मैं अलग से लिस्ट बना के चाहे आपको दे भी दूंगा, कालीबंगन जो कि राजस्थान और बनावली हरियाणा से मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप मिले हैं। हड़प्पा काल में हल जोते जाते थे, ठीक है। और थोड़ा सा यहाँ पर आपको एजम्पशन करना पड़ेगा, मैं आपको बता देता हूँ। हल रेखाओं, ठीक है, आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो मेरी आवाज़ को थोड़ा ध्यान से सुनिए और फिर देखिए यहाँ पर जो लिखा है, हड़प्पा काल में हल जोते जाते थे हल रेखाओं के दो समूह। इसका मतलब है जब हल जोतते तो रेखाएँ बनती है, तो उनके दो समूह समकोण पर काटते हुए प्राप्त होते हैं। इससे पता लगता है कि हड़प्पा सभ्यता के अंदर दो प्रकार की फसलें उगाई जाती थी, यानी मिश्रित कृषि भी की जाती थी हड़प्पा सभ्यता के अंदर। कपास पैदा करने का श्रेय सिंधु सभ्यता के
लोगों का है। कपास का उत्पादन सबसे पहले सिंधु क्षेत्र में हुआ, इसलिए दुनिया में इसे सिंडस कहना शुरू कर दिया। यूनानियों ने इसे सिंडस कहना शुरू कर दिया। क्यों इसको सिंडस कहना शुरू किया यूनानियों ने? क्योंकि सिंधु नदी से सिंडन बनाया। और सबसे पहले ऐसा माना जाता है कि सिंधु नदी के आसपास रहने वाले लोगों ने कपास उगाना शुरू किया था, इसीलिए इसका नाम यूनानियों ने सिंडस दिया। फसल काटने के लिए पत्थर के हसियों का प्रयोग होता था और कृषि के सिंचाई के लिए अलग अलग तरीके अपनाए जाते थे। जैसे यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको, सिंचाई के लिए कुओं का प्रयोग भी किया जाता था, नहरों का प्रयोग भी किया जाता था और बाकी चीज़ों का प्रयोग भी किया जाता था। जैसे यहाँ पर एग्जांपल लिखा है, कृषि क्षेत्र के लिए अलग अलग तरीके अपनाए जाते थे। जैसे अफगानिस्तान में शोरतुघई में नहरों के अवशेष मिले हैं, यानी शोरतुघई जो अफगानिस्तान के आसपास का क्षेत्र है, ऐसी जगह जो अफगानिस्तान में मिली है वहाँ पर नहर के अवशेष मिले हैं। लेकिन पंजाब और सिंध में नालों और को बांधों से घेर कर सिंचाई की जाती थी। इसके अलावा धोलावीरा यानी गुजरात में भी ऐसी ही सिंचाई की जाती थी। समझ आ रहा है बच्चों? आई होप आपको। और मैं आपको छोटी सी बात बता दूं, आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, एसएससी से लेकर और सीटेट तक, अगर आपका विषय जो है वो सेकेंडरी लेवल तक का है यानी 6 to 8 का है, तो उन सभी एग्ज़ाम्स के अंदर आपको ये चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर आता है और हमें इनका अध्ययन अवश्य ही करना चाहिए। अब रही बात क्लास 12th की, तो क्लास 12th में से इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन 8 marks का पेपर में आता है, इसीलिए मुझे आवश्यकता पड़ी इसकी वीडियो बनाने की। और आप मेरे चैनल पर बने रहिए, आपको सभी वीडियो हिस्ट्री से संबंधित, पॉलिटिकल से संबंधित, ज्योग्राफी से संबंधित, आपको सभी वीडियो इस जो चैनल है उस पर मिलती रहेंगी। ठीक है, तो कीप वॉचिंग अवर चैनल एंड सब्सक्राइब, चैनल को शेयर जरूर कर दें। आइए बच्चों आगे बढ़ लेते हैं। हम लोग मोहनजोदड़ो के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ठीक है, मोहनजोदड़ो जो था ये सबसे पहला यहाँ का शहर था जो ढूंढा गया, सबसे पुराना स्थल है, इसको 2 भागों में बांटा गया है। अगर आपको दिख पा रहा है, मैंने कोई कटिंग लगाई है यहाँ पर एनसीईआरटी बुक की, जिसके अंदर लिखा है कि मोहनजोदड़ो और 2 भागों में बांटा हुआ था, निचला दुर्ग, ऊपरी दुर्ग और निचला शहर, यानी इसको 2 भागों में बांटा गया है। एक बस्ती छोटी थी जिसे ऊंचाई पर बनाया गया था, जबकि दूसरी अधिक बड़ी थी जिसे निचला शहर कहा जाता था, जबकि ऊंची बस्ती को दुर्ग कहते थे। दुर्ग में शासक वर्ग का परिवार रहता था, जबकि निचले शहर में सामान्य लोग रहते थे। दुर्ग कच्ची ईंटों के चबूतरों पर बनाया गया था, इसलिए इसकी ऊंचाई अधिक थी, यानी इसकी नींव में ज़्यादा ईंटें डाली गई थी और उसको ऊँचा बनाया गया था। दुर्ग में राजा महाराजा या उनके मंत्री लोग रहा करते थे, जबकि निचले शहर के अंदर जो आम लोग हैं वो रहा करते थे। ठीक है, और बीच में दीवार बनाई गई है। निचले शहर में ईंटों के मकानों में सामान्य लोग रहते थे। इसके अतिरिक्त यहाँ पर कुछ भवनों पर ऊंचे चबूतरों पर बनाया गया था, जिन्हें बनाने में बहुत अधिक समय लगा होगा। ईंटों को धूप में सुखाकर या भट्टी में पकाकर बनाया जाता था। तो यहाँ पर ये हम लोग पढ़ रहे हैं कि जो ईंट है वो किस प्रकार से बनाई जाती थी। मिट्टी से ईंटों को बनाया जाता था सुखाकर या भट्टी के आग में पकाकर। लेकिन एक बात यहाँ पर कमाल की थी कि सभी ईंटों की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात समान रखा गया था। प्रत्येक ईंटों की लगभग चौड़ाई ऊंचाई की क्रमशः 4 गुना थी या 2 गुनी होती थी, यानी कि जो ईंटें थी वो एक प्रकार से क्यूबिकल फॉर्म में थी। और आयत की बात करें यानी रेक्टेंगल की बात करें, तो हर ईंट की जो चौड़ाई थी वो 4 और लंबाई जो थी वो 2 के अनुपात में हुआ करती थी। इसी प्रकार इन ईंटों का प्रयोग किया गया था। ठीक है बच्चों, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अभी मैं आज अपनी जीवा को विराम देता हूँ, इतना ही समय हम लोग रखते हैं और अगली वीडियो के लिए आप यहीं पर आप रुके रहिए, आपको सारी वीडियोस मिलेंगी। ठीक है, कीप वॉचिंग अवर चैनल, और देखने के लिए आप